टीम न्यूज। उत्तर प्रदेश के हर जिले की एक अपनी खासियत है। अपनी इसी खासियत की वजह से ये जिले देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी धाक रखते हैं। इसके अलावा इनका अपना ऐतिहासिक महत्व भी है। हम यूपी के अलग अलग जिलों और शहरों की खासियतों से आपको रूबरू कराते हैं। इसी क्रम में आज हम बात करेंगे अमेठी की। अमेठी अपने मूंज उत्पादों के लिए मशहूर है। हाल के वर्षों में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ उत्पादों में रुचि बढ़ी है और ऐसा ही एक उत्पाद है जो लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, वो अमेठी मूंज उत्पाद है। अमेठी मूंज उत्पाद मूंज नामक घास से बना एक दस्तकारी उत्पाद है जो भारत के उत्तर प्रदेश के अमेठी क्षेत्र में पाया जाता है। मूंज नदी या सड़क के किनारे उगने वाली घास है जिसे सरपत भी कहा जाता है। ये घास जिले में बहुतायत में पाई जाती है। तरह तरह के आकर्षक उत्पादों को बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अमेठी मूंज उत्पादन ने न केवल भारत में बल्कि अन्य देशों में भी लोकप्रियता हासिल की है। उत्पादों को कई अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में प्रदर्शित किया गया है और उनके अद्वितीय डिजाइन और पर्यावरण मित्रता के लिए प्रशंसा प्राप्त हुई है। हालांकि प्लास्टिक और अन्य सिंथेटिक सामग्री के आगमन के साथ मूंज उत्पादों का उपयोग कम हो गया है और ये विलुप्त होने के कगार पर था, लेकिन हाल के वर्षों में मूंज उत्पादों में नए सिरे से दिलचस्पी दिखाई गई है और कई संगठन और व्यक्ति इस पारंपरिक शिल्प को पुनर्जीवित करने के लिए काम कर रहे हैं। बाजार में मिलने वाले मूंज के बने तरह तरह के उत्पाद दिखाई देते हैं। मूंज की कुर्सियां, मेज, स्टूल, पावदान, डलिया, डाइनिंग टेबल, मैट, वॉल हैंगिंग जैसे कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। इन्हें लोग काफी पसंद करते हैं और मार्केट में इनकी बहुत डिमांड भी है। ये एक दुर्लभ और विशिष्ट कला है जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान मिल रही है। इन उत्पादों को बनाने के लिए आज भी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यूपी सरकार की एक जिला एक उत्पाद यानी ODOP योजना में मूंज शिल्प के शामिल हो जाने से इस कला से जुड़े परिवारों में नई उम्मीद जाग गई है। खास तौर पर महिलाओं के लिए अपने पैरों पर खड़े होने का ये एक मजबूत जरिया बन गया है। गांवों में महिलाएं घर बैठे मूंज के खूबसूरत उत्पाद बना रही हैं। अभी तक इन उत्पादों को स्थानीय बाजारों में बेचा जाता था, लेकिन अब बड़े बाजारों में बेचने की सहूलियत मिल गई है। अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए भी कारीगर अपने उत्पाद बेच रहे हैं। इन उत्पादों की डिमांड विदेशों में भी हो रही है। इससे अमेठी को एक नई पहचान मिल रही है।